ये लाइव कवरेज आप लोगों को दिखाएगी, एक नंबर की काम चोर है, कुछ नहीं दिखा रही है। बीच में गरम मसाला डाला जी, सही है। हाँ रमजान का तीसरा अशरा आज नहीं, खैर शुरू हो चुका है तीसरा अशरा, रमजान जो वो खत्म होने वाला हो गया है और ईद जो है वो आने वाली हो गई है। तो रमजान के जाने का अफसोस भी है लेकिन ईद के आने की एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है। खैर हम आज की इफ्तारी को जो है वो मेमोरेबल बनाएंगे, हम लोग जो है वो आज इफ्तारी खुद बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए अपने टीम मेंबर, जिसके लिए मुझे लाहौरी सिस्टर्स को बुला के लाना पड़ेगा ताकि ये आपको लाइव कवरेज दिखाएंगी और हम लोग करेंगे किचन में काम छाप। खैर देर बहुत हो चुकी है, हम लोग एज यूजुअल जो है वो पंक्चुअल हो गए, तो इसलिए हम लोगों को ना जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इन सबको बुला के लाती हूँ। खैर अभी बाहर आज बहुत शदीद किस्म की धूप निकली हुई है, गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन हेलो बहन आ जाओ फटाफट नीचे, झटपट एक सेकंड में आओ नीचे। अभी हम लोग दूसरी को बुलाते हैं, दूसरी मोहतरमा नॉक नॉक। खैर मैडम साहब नमाज पढ़ रही है, ओ मोहतरमा फटाफट से एक सेकंड लगाए और नीचे आए, आप दिखाएंगे लाइव कवरेज और हम करेंगे काम। इस तारी अभी नया बनाऊंगी, हम बाहर जाएंगे। नहीं हम बाहर नहीं जा रहे, बाहर जाएंगे टाइम ये बिल्कुल भी, हम बाहर नहीं जा रहे, मैं बना रही हूँ। नहीं जाएंगे, मैं कह रही हूँ मैं बना रही हूँ। ये लड़की आउट ऑफ माइंड हो चुकी है, इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, हम अपने कैमरा मैन को लेते हैं और चलते हैं नीचे, तुम रहो यहीं पे। बाय बाय रहमान, मिनट मार के आओ। ओके चलो जी लेट्स गो स्टार्ट करें। दीनू भाई साहब जो है वो बाहर है और पोपसी जो है वो अपने काम पे लगे हुए हैं। दीनू कोई अता पता नहीं, इग्नोर। आज के मेन्यू में हम लोग बनाने वाले हैं बिरयानी, दूसरा हम बनाएंगे पकौड़ा और तीसरा हम बनाएंगे ब्रेड के कुछ पीसेस, ठीक है। ब्रेड सैंडविच हम बना लेंगे या ब्रेड चिकन पीसेस बना लेंगे, तो ये चीजें चीजें सारी आ गई हैं भाई। अब बस जल्दी से चॉपर निकालें और बनाना शुरू करें। जो हमारे टीम मेंबर है ना बहुत बेकार किस्म के, अभी तक नीचे नहीं पहुंचे। इससे पहले हम लोगों की बिस्ती हो जाएगी, हाँ जी आज आपने सारी कराई थी तो आप लेट हो गई है, तो मैं ये नहीं चाहती। चावल भी हम लोगों ने निकाल दिए यहाँ पर और अब बस चीजें निकालें जल्दी से। बिरयानी यहाँ पर रेडी होने शुरू हो गई, बिरयानी का प्याज जल गया है, यहाँ पर हमने जो है वो पकौड़ों का मटेरियल चॉप कर लिया है, ये हमारे आलू शालू कट चुके हैं और अभी बस जो है ना वो इसमें हम पकौड़ों में डालेंगे सूखी मेथी, ये सारे डाल देते हैं इसमें, सब की सब डल जा बहन, ये कचरा मैंने बहुत डाल दिया। खैर यहाँ पर हम ये डालते हैं, अब इसमें डालेंगे हम मसाले और फिर मिक्स करेंगे इसको। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच और ये रहा दूसरा चम्मच। साथ साथ हमने प्याज का भी ध्यान रखना है, ये ना हो के एक बनाते बनाते दूसरा हम जला के तो स्वाहा हो जाए। बस अभी हम बिरयानी के जो है वो टमाटर शमाटर और अदरक लहसुन काटते हैं और फिर आगे आप लोगों को साथ साथ अपडेट करती जाऊंगी, ठीक है। साथ साथ मैंने जूस भी बनाना है ताकि जूस ठंडा हो जाए। मैंने जो है वो मामा को पूरा तैयार किया था कि आज हम इफ्तारी बाहर करेंगे, लेकिन आमना मैडम ने पता नहीं जाके मामा के कान में क्या खुसफुस किया कि मामा जो है ना वो फटाफट से पलट गई हैं और मामा कहती नहीं अब आज घर में ही इफ्तारी होगी और ये आमना मैडम और मैं तैयार करेंगे। मतलब ये कोई बात है, मतलब बड़ी बहनों की बात मानना क्यों जरूरी होता है? मारो हमको मारो, कुछ भी कह दे तो मतलब वही होगा, ये कोई बात है आमना, ये कोई बात है, यही तो सारी बात है, ये कोई बात है, बिल्कुल यही बात है। आमना ने अभी सारा गंद मचाया हुआ, आमना ने आज आमना ने किचन की तबाही कर दी है। तुम फिर आमना ने मुझे कहा था तुम बिरयानी बनाओगे मैं पकौड़े बनाऊंगी, तो अब शिफ्ट हो गया काम, आमना ने अपनी बिरयानी की काम स्टार्ट कर लिया और मैं यहाँ पे पकौड़े स्टार्ट कर देती हूँ, वो भी काम आमना ने आधे से ज्यादा कर दिया है, तो कोई नहीं खैर है, अब हम बस ट्राई करके नाम लगा लेंगे अपना कि हाँ हमने भी कुछ किया है। क्या कर रही है? मैं दिखा रही हूँ जब मामा दी ग्रेट शेफ किचन में ना हो और आमना और पापा जैसे अन्नाड़ी लोग किचन में आ जाएं, तो किचन की सुधिया के क्या सुधिया होती है, ओ माय गॉड पेट सुधिया होती है।
खतरनाक से होने वाली है। लड़की ना इसने काम खराब किया, अच्छा बोला मैंने मामा को ना डाला है कि ये बड़े बहन भाई होते ही इसलिए हैं, मामा के चमचे हर काम उठा करते हैं, है ना। आई बड़ी ये तुम्हारा आई बड़ी फातिमा के साथ ग्रह हमने इसको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हमने हाय दो मिनट पंखा ले ले। खैर आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कभी हम लोग काम में ऑन के फाती यहाँ पर बना रही है स्ट्रॉबेरी का जूस और सैलेड हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर बिरयानी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, राइस हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। क्या है नमक मिर्ची पूछ लेना। वाह सबका रोजा है, कोई नमक मिर्ची नहीं दे सकता। चमत्कारी होती है, शक्तियाँ होती है, उनको पूछ लेना। यहाँ पर हमारा जो चिकन ब्रेड का जो है वो बैटर रेडी हो गया है, पकौड़ों का भी सारा सामान रेडी हो गया है और ये जो शक्ल है वो सोने वाली हो गई है पूरी की पूरी। अब आप प्लीज लेके इसको कैमरे को बाहर चली जाए। तुम मेरे साथ अफ्तारी के बाद एक जगह जाओगी। कहाँ जाऊंगी कोई पता नहीं है, तो आप लोगों को मिलते हैं ब्लॉग के बाद, इफ्तारी के बाद। नहीं मेरे साथ जाओगी। हो गई है लो, प्लीज कीप इट, प्लीज कीप इट। मैंने कहा था ये लाइव कवरेज आप लोगों को दिखाएगी, एक नंबर के काम चोर है, कुछ नहीं दिखा रही है। चलेगी फिर बाय। मम्मा नीचे आ जाओ, इन्होंने किचन में तहलका मचाया हुआ है। मम्मा इन्होंने तहलका मचाया हुआ है। इनके कानों पे तो जू भी नहीं रिंगती, बोली औरतें। मैंने कहा रख दिया क्या, मुझे घूर घूर के देख रही है, इसका मैंने कहा रख दिया। किसकी क्या रखा है। चीज हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। मेरा हाथ सड़ गया, बस वो पकौड़े हमारे खराब कर जा रही। मामा इसे पकौड़ों में इतना पानी डाल दिया है। मामा इसे पकौड़ों में देखो इतना पानी डाल दिया। मामा ये लड़कियां ना इतनी नॉनसेंस है। और जब को दो बहने किचन में आ जाए तो मामा मजे के हैं। आ गया है प्रोफेशनल शेफ किचन में इनकी रेस्क्यू के लिए। अब जाके हमारे दिल को आया है करार, क्या कुछ खाने को अच्छा ही मिलेगा। फातिमा रामना दोनों का मामा मीटर शार्ट हुआ है। इन्होंने बस बाल पकड़ने की कतार पे कतार कतार होते मामा कगार कगार कगार। इसने बिरयानी के चावल उबालते हुए बीच में गरम मसाला डाला। टीवी में देखा, इसने टीवी में देखा और फातिमा का हुआ पचका, खत्म मुंह दिखा। मैंने उस दिन ये अपना पचका वाला मुंह दिखा दो। मैं आपने उस दिन वाले दिन से देखा। मम्मा आपके दिन होशियार हूँ। अल्लाह अकबर, बस यही सुनना बाकी था। कहती मुझे पता ही नहीं था, तुम लोगों को नहीं पता। मुझे यही कहा क्या आपने हमें बताया क्यों नहीं। मम्मा मैंने कहा मुझे ये पता ही नहीं था कि तुम लोगों को नहीं पता। ईशा विषय ओ माय गॉड, सारे बर्तन गंदे। इतना प्यारा शो पीस मम्मा पर डाल रहे हो। और मम्मा आ गई फाइनल टच को, हमारे रेस्क्यू। मम्मा सड़ गए, ओ जल गए, पापा बन गए। भाजी कितने चावल है, बहुत ज्यादा है। तुम्हारा दिमाग कैसे चल लग गया इतना ज्यादा दिमाग। तुम्हारा इतना ज्यादा दिमाग, ये इतना ज्यादा दिमाग क्यों चल रहा तुम्हारा है। मामा कैसे चल रहे तुम्हारा इतना सारा दिमाग। हम दो के पास औरतों को नहीं बचाते, इसने रेसिपी देखी है। चीटिंग करता हो तुम, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। शेफ के साथ रोज होती है ना। तो इफ्तारी खुलने में हमारे पास जो है वो कुछ टाइम है अभी फिलहाल, तो तब तक मैं आप लोग अपनी सारी चीजें दिखाऊंगी। यहाँ पर हमारा जूस रेडी हो चुका है, पोप्सी का फेवरेट सैलेड रेडी हो चुका है जिसमें नींबू और चाट मसाला पोप्सी हमने डाला हुआ है। यहाँ पर हमारे सैंडविच चिकन वाले और यहाँ पर हमारे पकौड़ा। ये सैलेड खाता हूँ और फ्रेश रहता हूँ, वेरी नाइस। और साथ ये हमारा रहा पोप्सी की सेहत का राज, जीरे वाला रायता और यहाँ पर रही हमारी बिरयानी। देखी पकड़ लो बिरयानी के बाद इतना मुश्किल। अच्छा मैंने दो ट्रे में ले आती हूँ, जल्दी से रोजा खुल जाए। इसको रोजा ज्यादा लगा, सबसे ज्यादा लगा मुझे प्यास लगी। हाँ वेली आंटी को, वेरी बैड मैनर्स, ऐसे निपटाते। फातिमा और फातिमा का भाई प्लीज सर्च। मैं इसका भाई देखो, मैं नाम मैंने पहना हुआ है ग्रीन बंदर। हाँ तुम बंदर,
वेरी नाइस रहमत यो पापा दो सैलेड पेप्सी को। हम आए बाहर अभी रहमत के साथ बोतल पीने के लिए और तारी के बाद हम लोगों ने सोचा एक चक्कर मार के आते हैं, जरा गाड़ी आई है रहमत को प्रैक्टिस करवानी है, इसी बहाने हम लोग बोतल पी लेंगे रहमत से। मुफ्त की बोतल किसको रास नहीं आती है। तो रहमत जो है ना वो मैडम साहिबा हमें लेकर आ गई है, ये गाड़ी उसको कुछ खास पसंद नहीं आ रही, कह रही है इसकी ब्रेक भी खराब है, इसके गियर भी खराब है। ऐसी करने की आदत लग गई है पागल औरत, इसकी ब्रेक नहीं लग रही है। क्यों इसकी ब्रेक नहीं लग रही फातिमा? फातिमा क्या करेगी, ब्रेक लगा फोन कर, ब्रेक नहीं लग रही। ओ बिस्मिल्लाह हरमत कुछ भी नहीं था, मजाक था हमारा ब्रेक तो लो अरे पागल हो क्या, ये तो प्रैंक मार के गॉन रॉन्ग हो गया है। प्रैंक था सड़क पे सारा दबा दिया, प्रैंक इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात हो गई, तो गियर खराब है इसके। मैं यकीन नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा इसको मुझे से पता चल रहा है, मुझे अल्लाह के साथ मुझे लगा था कि इसको ना कुछ। हाय हाय मैं मजाक कर रही थी, मैंने प्रैंक कर से सोचा, मम्मा को भी पता था इस प्रैंक का। तो सोचा नहीं था हमने कि ऐसा होगा प्रैंक का अंजाम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम बाकी टच होगी। इसमें इतना परेशान होती अच्छा बस कर दे, मैं तो मजाक करती, मम्मा को भी मैंने इस प्रैंक में शामिल कर लिया था। अभी आमना हाथ मुझे करती कि कैसा लगा मेरा मजाक। आमना आमना अच्छा सॉरी, मैं अपनी बैठती हूँ मेरे साथ, आमना मैं मजाक कर रही थी, हवास उड़े हैं आमना। मुझे लगा इसको मेरी शक्ल से पता चल जाएगा, मैं हंस रही थी, दिमाग खराब है, ये मजाक है, अगर मैं हेडब्रेक ना लगाती तुमने इतने पाक। अच्छा तभी तुम्हारी इसमें आवाज आई है, मैं तो मेरी हेडब्रेक कैसे लगी, ऐसा कभी नहीं करते हैं, ऐसा कभी नहीं करती, कहती ब्रेक फेल आ, ब्रेक फेल आ। आपने पहले तो मैं दिमाग इस्तेमाल कर, मैं हैरान कि ब्रेक लगी कैसे, ऐसा रियल लग रहा है, मुझे लगा इसकी गाड़ी का मैंने हेडब्रेक फटाफट दबाई, मैं कहती ब्रेक फेल, ब्रेक फेल, मैंने कहा चलो मारने लगी, मुझे लगा अंदाजा करो मुझे क्या पता तुम्हारा दिमाग काम करता है, मुझे लगा तुमसे खाली दिमाग लेके बैठी हूँ। मम्मा को भी पता था प्रैंक का, मुझे वो आया, मुझे तो पता ही था, मैं तो मैं तुम्हें ब्रेक दबाती नजर आ रही थी, होता बोला मैं सब जगह बात करती हूँ, इसलिए तुम्हें आगे बिठाया था। नहीं तुम मुझे एक बात बताओ कि वैसे तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जो बार बार कह रही है कि कैमरा क्या है, नहीं थी उम्मीद मुझे इससे, कुछ कीड़ा ना हो भाई, ब्रेक फेल से नहीं तो पैदल उतर चल जाओगे, जा कुत्ते पड़ जाएगी तुम्हारे पीछे। मैं आई हूँ शॉप पे, आमना को बहुत रुला लिया, उसको थोड़ी सी कोई कोई बोतल शोतल पिलाते हैं। सो अब मैंने इनके लिए एक ड्रिंक लिया है, वो इसलिए कहना मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने कितने पैसे पकड़े हैं, और मैं बस मेरा था कि बस प्लान कर लूँ इसके साथ, तो मैं बस निकल आई थी, और अभी ये लोग आमना फुल सुद्धा मुंह में बैठी हुई है गाड़ी में, अभी भी रोनी सूद बना के बैठी हुई है, तुम दोनों के लिए चॉकलेट लेके आई हूँ, चॉकलेट छोड़ो तुम हमें ये दे दो, चले ये आमना के लिए है और ये मेरी फ्रेंड के लिए रखना, आमना आगे मस्ती आ गई हमारे साथ, जरा पीते देखना, जरा चेक कर लो इसको पीते, मैं आमना के लिए थी लेकिन दे मेरे को भी। बहुत ही ना वैसे तुम वो, अभी तक मेरा दिल धड़की जा रहा है। अच्छा इसका लेमन जितना ही बुरा है ना, ठंडक पड़ गई है मुझे आमना तुम्हारे हाथ में, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, मुझे ये नहीं आ तुम रो पड़ोगी, मुझे तुम गुस्से में आ जाओ, पता होगा तो ना प्रैंक करने वाले हैं, तो ये ना एक्टिंग करेगी कि जैसे ना डर गई है, डर गई है, मुझे पता ही नहीं, मुझे खबर भी नहीं, इसको पता चल जाएगा, मैं हंस रही थी बीच में, हमें ब्रेक नहीं लग रही, मैं कह रही हूँ ब्रेक नहीं आ रही, तो कैसे मैं पागल नजर, मैं आगे देख रही थी, मैं आगे देख रही थी, मुझे सिर्फ ये पता था कहाँ अंधेरा है और कुछ है नहीं, नजर ही नहीं आ रहा मुझे, चलो बोतल दो इधर, चलो शायद तुम लोग तो इसमें जश्न मना रही है मेरे रोडे का, हमारा प्रैंक सक्सेसफुल हो गया फाइनली, फाइनली तुम्हारे जाने के बाद आमना को पूछ रही है इसका दिमाग में ऐसा आया कहाँ से, बैठे बैठे आया, जब मैं ऊपर से नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, और मैं सो रही थी थोड़ी देर के लिए, मुझे दिमाग में फोन आया, मैंने मम्मा को देखा, मैंने मम्मा हमने से कर लू, हम कैसे कर लो, मम्मा को जाकर मैं पूछती हूँ, जरा इतना बेकार किस्म का प्रैंक किया, मेरे साथ मेरी हार्ट बीट अभी तक तेज हुई हुई है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा,
खैर हम लोग आज के ब्लॉग बाय। खैर हम लोग आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को तो बहुत ज्यादा मजा आया होगा मेरा इतना गंदा रिएक्शन देखने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।